वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदू ट्विटर का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो आप हमें RA@gmail के ऊपर भेज सकते हैं। वस्तु का मूल्य तब पता चलता है जब उसकी कमी महसूस होती है। हालांकि ये बातें हम जब किसी से पिछड़ते हैं तो उस समय काफी मायने रखती है, लेकिन खैर काफी इसके गहरे मतलब होते हैं। जो जिसको जैसा समझे उसके लिए उतना ही ये कीमती होता है और उतना ही इसका महत्व होता है। द वैल्यू ऑफ द थिंग इज नॉट व्हेन इट्स डेफिशिएंसी इज फेल्ट। जैसे अब बात चली रही है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरह समझाता हूँ। जैसे कभी आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करें और जब वो आपको छोड़ के चला जाए तो आप यही उसे कहेंगे कि वस्तु का मूल्य तुम्हें जब पता चलेगा मेरा मूल्य जब तुम्हें जरूरत हो और किसी की कमी महसूस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब। तो पहली वोकैब है ट्रबल, मुसीबत, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स। स्टॉर्म, आंधी, तूफान, a violent disturbance of the atmosphere with strong winds and usually rain, thunder, lightning or snow. Dragging prakop, showing rage, yani bahut vishal star pe prabhavit karna. Rival, virodhi, a person or thing competing with another for the same objective or for superiority in the same field of activity. Put off, dalna, nahi aaj nahi karna kaam, kal se karenge jo karna hai, kal kabhi aata hi nahi hai. An off-putting or unpleasant quality or feature. Contention, विवाद, hit a disagreement, किसी मुद्दे के ऊपर ऐसा विवाद हो जाना जहां पे दो लोग आपस में असहमत हो। Autocratic, एक तंत्र, relating to a ruler who has absolute power, जिसके पास यानी समस्त जो शक्तियां हैं, जो समस्त ताकतें हैं, जो समस्त उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है और उसी का ही राज है। इम्पेशेंट, बेताब है, तुमसे मिलने को दिल मेरा हर समय बेताब रहता है। Having or showing a tendency to be quickly irritated or provoke, हम किसी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है या कुछ काम करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं तो इसे कहा जाता है इम्पेशेंट। रेंज यानी मुकुर, गो बैक ऑन ए प्रोमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो तुमने अपनी वादा किया था उसको निभाने का समय आ गया है और उसकी समझ होनी चाहिए। मोज़ेक, पच्चीकारी, ए पिक्चर और पैटर्न प्रोड्यूस बाय अरेंजिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, टाइल, ग्लास और एक्स्ट्रा। तो एक ऐसा पिक्चर या फिर एक ऐसा पैटर्न बनाना जिसको छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, टाइल के, शीशे के, उसके द्वारा जो बनता है उसे कहा जाता है मोज़ेक। डेफ्टली, चतुराई से, बहुत ज्यादा चतुर हो तुम अपनी बात मनवाने के लिए, मुझे कुछ भी कर सकती हो। In a way that is neatly skillful and quick in moment, ऐसा कुछ भी नहीं केवल मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो ये वर्ड्स हैं उसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इसलिए ऐसे एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ खेची वाले जो आपको जल्दी से समझ भी पाओ। Collision, टकराव, an instance of one moving object or person striking violently against another, जब भी मेरी किसी बात के ऊपर उनसे राय नहीं बनती है, एक मत नहीं होता है तो हम दोनों के बीच में कॉलिजन हो जाता है, टकराव हो जाती है। कंट्रोवर्सी, विवाद, प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हमारे बीच दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी रहती है कि कहाँ जाना चाहिए। कंस्पिरेसी, साजिश, ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, ऐसा कोई भी साजिश रचना या कोई प्लान बनाना सीक्रेटली जो सामने वाले को पता ही ना चले और उसको नुकसान पहुंच जाए। एल्यूड, संकेत देना, सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली हिंट एट, जब भी मैं कॉल करता हूं तो मैडम फोन नहीं उठाती हमारा तो वो संकेत देती है कि वो अभी आजकल हमसे रुष्ट चल रही है। एलाइज, तथा कथित, सैड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। मशीनाइजेशन, साजिश, ए प्लॉट और स्कीम। Disquiet, बेचैनी,
ए फीलिंग ऑफ वरी और अनएज, यानी वो बेचैन है, वो भी और हम भी, एंड डिसक्वाइट है, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है, बेताब है, और इसी बात की चिंता में हम दिन रात सो नहीं पाते हैं। पेटुलेंट, चिड़चिड़ा ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर, चाइल्डिशली सल्की और बैड टेम्पर, उसका नेचर ही ऐसा चिड़चिड़ा है, जब भी हम किसी और मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो वो बात ही नहीं करना चाहती, वो केवल एक ही मुद्दे के ऊपर बात करना चाहती है, तो यानी उसका नेचर कैसा है, पेटुलेंट है, चिड़चिड़ी। कॉन्टिन्यूअस स्थिति, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग इन एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन। पॉलिट ब्यूरो, रूसी साम्यवादी दल के केंद्रीय समिति का राजनीतिक विभाग। द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ऑफ ए कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रिंसिपल, जो जहां पे जो कमेटी बनती है उसके जो मेन है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मेन बंदा है पॉलिसी मेकिंग कमेटी का कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उसे कहा जाता है पॉलिट ब्यूरो। फ्रेजाइल मतलब नाजुक है। ऑफन ऑब्जेक्ट इजली ब्रोकन और डैमेज, अगर आपने देखा हो जैसे भी कई बार जो भी हम सामान ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं, जैसे कोई फ्रिज वगैरह है और या फिर कुछ भी है, जैसे कि जो टूटने फूटने वाले सामान होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेजाइल, टेकन विद केयर, यानी भैया सावधानी से लेके जाना। एथनिक, संजातीय, रिलेटिंग टू ए पॉपुलेशन सब ग्रुप विद इन लार्जर और डोमिनेटेड नेशनल और कल्चरल ग्रुप विद कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन। एथनिक होता है बेसिकली एक ग्रुप होता है लोगों का, जिसमें जो सेम प्रकार के जो ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर जो बॉयज हैं उनका एक अलग ग्रुप हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर गर्ल्स है उनका अलग ग्रुप हो गया, तो यानी वो सेम जो उनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होते हैं उसमें, तो उसको एथनिक ग्रुप कहा जाता है। और जैसे कि अगर कोई यंग जनरेशन का ग्रुप है तो वो एक हो गया एथनिक कल्चर वाला, और यदि कोई जैसे कि एल्कोहल पीते हैं तो उनका कोई ग्रुप बन जाता है, तो उनका भी हो गया कि उनकी जो एक ट्रेडिशन नहीं चला आ रहा उनका, तो वो भी हो गया एक एथनिक ग्रुप। तो ये थी आज की वोकैबुलरी, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया सीखा भी होगा और मजा भी आया होगा आज की वोकैब समझने में, तो बेसिकली आप खास तौर पे। तो चलिए बात करते हैं आज के आर्टिकल की। आज का आर्टिकल जो है कहा जा रहा है ट्रबल इन नेपाल, कि नेपाल के अंदर क्या है, समस्याएं ही उत्पन्न हो गई है, अब वहां पे ट्रबल हो गई है, तो ये जानते हैं ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई है नेपाल के अंदर, क्या मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है नेपाल के ऊपर, जो आर्टिकल लिखना पड़ गया नेपाल के ऊपर भी। इंडिया विल हैव टू डील विद केपी ओली इन नेपाल वेदर ही इज आउट ऑस्टेटेड और स्टे एज ऑन पीएम। कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया है अब उसको डील करना है केपी ओली को नेपाल में, चाहे उनको वो रहे सत्ता में एज ए पीएम और चाहे वो सत्ता से बाहर चले जाए एज ए नॉन पीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रॉन्ग रैगिंग इन नेपाल रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इज अगेन रॉकिंग द खाग्दा प्रसाद ओली गवर्नमेंट। नेपाल के अंदर तूफान तबाही मच रही है और व्यापक प्रकोप हो रहे हैं उसके प्रभाव। नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वो फिर से रॉकिंग करने की कोशिश कर रही है, यानी कुछ करना चाह रही है खग्दा प्रसाद ओली गवर्नमेंट, एंड पुटिंग काठमांडू पॉलिटी, जो काठमांडू की पॉलिटी है सत्ता है, इन सस्पेंस, उसके ऊपर क्या अभी संशय के बादल है, अभी नहीं पता व्हाट माइट फॉलो, कि वो क्या फॉलो करने वाले हैं, यानी अभी हम सस्पेंस में हैं, किसी को भी कोई भनक नहीं है। ए क्रूशियल मीट मेंट टू अनाउंस एन एंड टू द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टी टू लीडर्स, और जो दो लोगों के बीच में एक मीटिंग हुई और उसमें अनाउंस किया गया ये एंड करने के लिए है, खत्म करने के लिए है, क्या डिफरेंसेस जो मतभेद हैं जो पार्टी के दो नेताओं के बीच में है, उसके लिए इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया था जो नेपाल में हुई। मिस्टर ओली एंड हिज राइवल, जो मिस्टर ओली हैं और उसके जो विरोधी हैं, पुष्पा कमल दहल प्रचंड वाज पोस्टपोन ऑन ट्यूसडे, और उन्होंने क्या है ये दोनों बंदे जो मीटिंग होने वाली थी उन्होंने पोस्टपोन कर दी ट्यूसडे के दिन। लास्ट वीक टू द टू राइवल फैक्शंस डिसाइडेड टू पुट ऑफ ए मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ओली फेल्ड टू अटेंड। पिछले हफ्ते भी सेम चीज उन्होंने करी, जो दो विरोधी हैं इसके ओली गवर्नमेंट के, डिसाइड किया टाल दें इस मीटिंग को स्टैंडिंग कमेटी की जो होनी थी, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जो ओली है वो फेल हो गए, यानी असमर्थ हो गए, वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। वाइल जबकि द बोन ऑफ कंटेंशन, और जो जन्म हुआ इसका किस चीज का, ये जो वहां पे विवाद चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, विच हैज रोल्ड पार्टी मेंबर्स, और उसमें क्या है जो मतलब रोल्ड यानी जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी हैं, इज डेट मिस्टर ओली कंटिन्यूज टू होल्ड टू पोस्ट, कि मिस्टर ओली जो है वो कंटिन्यू करे दो
पोस्ट को यानी दो पदों को, डेट ऑफ एनसीपी चेयरमैन एंड प्राइम मिनिस्टर, एक तो जो एनसीपी पार्टी है उसके चेयरमैन पद पे रहे और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे भी रहे। इट इज क्लियर, और यह साफ है डेट देर इज मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम गोइंग ऑन, और जो इससे भी ज्यादा व्यापक स्तर पर कठोर पावर गेम चलाया जा रहा है वहां पे। पार्टी मेंबर्स लीडिंग द मूव अगेंस्ट मिस्टर ओली पॉइंट टू ग्रोइंग डिसकंफर्ट ओवर हिज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और जो पार्टी के जो मेंबर्स है जो सदस्य है वहां पे उसको लीड कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं कि मिस्टर ओली के अगेंस्ट में कि पॉइंट, जिससे उसके लिए क्या है ओली के लिए डिसकंफर्ट हो जाए यानी आरामदायक की सिचुएशन ना रहे, क्योंकि वो पूरे तरह से एक तंत्र का राज स्टाइल कर रखा है उन्होंने वहां पे। द दहल फैक्शन, और जो दहल का जो वहां पे एक ग्रुप है विच हैड मर्ज विद द ओली लेड यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इन 2018, वो ग्रुप इसके बाद मर्ज हो गया था 2018 में व्हेन देयर कंबाइंड वॉन ए मैसिव मैंडेट इन द जनरल इलेक्शन, और जो वहां पे जो चुनाव हुए थे उसमें इनको व्यापक स्तर पर बहुमत मिला था। इज ऑल्सो इम्पेशेंट, और वो बेताब है फॉर ए चांस टू रूल, कि अब उनको चांस मिलना चाहिए कि कैसे वो उस पर रूल करें, क्योंकि अब दो लोग मिलके बने हैं तो एक ही रहेगा तो दूसरा तो बेताब होगा ही ना, कि मेरा भी तो चांस आना चाहिए, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए, मैं भी तो था उस दौड़ में जिससे कि हम दोनों मिलकर जीत पाए थे। मिस्टर दहल इज ऑलरेडी अनहैप्पी ओवर पास्ट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट दैट ही बिलीव्स मिस्टर ओली रेंज ऑन, और जो मिस्टर दहल है वो पहले से ही क्या है दुखी है इनसे, इनडायरेक्टली कहा जाए तो, जो इनके पुरानी जो पावर इन्होंने यूज करी है, जो शेयर करे हैं, जो एग्रीमेंट्स करे हैं, और उसके जो भरोसा है ओली का कि जो उनके उन्होंने कहा था कि वो कॉन्टेक्ट करेंगे समझेंगे और वो सब बातें जो थी। एंड मिस्टर ओली स्टिल हैज रेजिडुअल बिटरनेस ओवर मिस्टर दहल, और मिस्टर ओली अभी तक कुछ कड़वे हैं मिस्टर दहल के डिसीजन के ऊपर टू पुल आउट ऑफ हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016। There is also concern over Mr. Ollie head on collision. और सबसे बड़ा जो इसके ऊपर साथ ही साथ जो चिंता का और कारण है वो मिस्टर ओली की जो कॉलिजन है, जो तनाव है, जो विवाद है, वो भारत के साथ जो उन्होंने खड़ा किया है ओवर द पास्ट फ्यू, जो कुछ लास्ट के पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, बिगनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू अडोप्ट डिस्प्यूटेड मैप, और इसकी स्टार्टिंग जो करी है ओली गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी है उन्होंने, एक अडोप्ट किया है एक डिस्प्यूटेड नक्शे को, एज वेल एज रेदर रैश लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया, और साथ ही साथ यूज करी है भारत के खिलाफ एक अभद्र भाषा, इंक्लूडिंग ए रीसेंट कंट्रोवर्सी ओवर द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू गॉड, और इसमें शामिल है जो रिसेंट में अभी जो हुआ मतभेद, जो तनाव हो रहा है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है उसके द्वारा वहां पे, जो भगवान राम है उनके जन्म स्थान के ऊपर। मिस्टर ओली हैज सेड दैट ही बिलीव्स देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, और मिस्टर ओली कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि उनसे कुछ चीजें ऐसी छुपाई जा रही है, उनके खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही है। एंड ओली डिड टू अलाइज मशीनाइजेशन बाय द इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, और साथ ही साथ तथाकथित तौर पे ये संकेत हैं कि इंडियन एम्बेसी कुछ कर रही है काठमांडू में उनके खिलाफ। फाइनली अंत में देयर इज कंसिडरेबल डिसक्वाइट इन द पार्टी, कि उनकी जो पार्टी है वो पूरी तरीके से बेचैन हो चुकी है। एंड इन द प्रेस ओवर द पब्लिक रोल प्लेड बाय द चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वार्निंग फैक्शंस, और साथ ही साथ इस कारण से वो ज्यादा बेचैन है वहां की पार्टी के जो लोग हैं और जो वहां की जो जनता है, जो वहां पे जो पब्लिक रोल है जो प्ले किया जा रहा है यानी कि चाइनीज लोगों के सरकारों के द्वारा नेपाल में, इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वार्निंग फ्रैक्शन, और यह क्या है एक तरीके के खतरे की घंटी है, स्पेशली आफ्टर, और खास तौर पे जब मिस्टर ओली थ्रेट टू स्प्लिट द एनसीपी एंड रिवाइव द यूएमएल अर्लियर दिस मंथ, मिस्टर ओली ने धमकी दी है कि वो स्प्लिट यानी कि अलग कर देंगे एनसीपी को एंड रिवाइव करेंगे उनकी जो पार्टी है यूएमएल earlier this month, इस month के starting में उन्होंने कहा, many in South Block will take heart and may even rejoice over Mr. Ollie troubles, और कहा ये जा रहा है कि जो South Block में हमारे जो बैठे हैं वो इन सब चीजों के ऊपर खास तौर से पकड़ बना के रखे हुए हैं, given his recent petulant behavior with the Modi government, और खास तौर पे जो उनकी वहां की जो एक प्रकार की जो पॉलिसी मेकिंग के जो पर्सन्स हैं उनका बिहेवियर जो रहा है अभी तक जो मोदी गवर्नमेंट के साथ, ये भी एक प्रकार की मुसीबत ही क्रिएट कर रहा है ओली के लिए भी और भारत के लिए भी। इंडिया नेपाल टाइज हैव हिट न्यू लॉस, और इंडिया और नेपाल के बीच जितने भी समझौते हो रहे हैं
और जो हुए थे वो एक प्रकार के नए तनाव की वजह से नीचे की ओर जा रहे हैं. विद नाइदर साइन विलिंग टू शेड्यूल द मच प्रॉमिस मीटिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज टू बिगिन टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम. और कोई भी साइड, ना भारत की साइड से और ना ही नेपाल की साइड से, कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि शेड्यूल किया जा रहा है कि जिसके प्रॉमिस मीटिंग की जा सके फॉरेन सेक्रेटरीज के, जिससे कि इस कदम को क्या है, इस समस्या को क्या है सुलझाया जा सके. येट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मोदी गवर्नमेंट, और खासतौर पर यह बहुत जरूरी है मोदी गवर्नमेंट के लिए भी. एंड इंडियन मिशन टू टेक ए मैच्योर स्टैंड एंड प्ले ए मोर कंस्ट्रक्टिव रोल इन द करंट पोलिटिकल क्राइसिस, कि जो भारत का जो मिशन है उनको लेना चाहिए अब मोदी गवर्नमेंट को, एक मैच्योर स्टैंड यानी एक सख्त कदम उठाना चाहिए और प्ले करना चाहिए एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव रोल जो करंट के हालात हैं, जो राजनीतिक के संकट हैं उसके बीच में. द लार्जर स्ट्रगल फॉर द कॉन्टिन्यूस ऑफ नेपाल एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रेदर देन एज ए पॉलिट ब्यूरो स्टाइल पॉलिसी डोमिनेटेड बाय द पार्टी एलाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ दिस टसल. कहा यह जा रहा है जो व्यापक स्तर पर जो मुसीबत है वो यथास्थिति रहने वाली है नेपाल की, एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर, रेदर देन एज ए पॉलिट ब्यूरो स्टाइल, ना कि जो वहाँ के जो पॉलिट ब्यूरो स्टाइल है पॉलिटी जो डोमिनेट की जा रही है पार्टी एलाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आउटकम ऑफ दिस स्ट्रसल. और जो पार्टी के जो आउटकम्स है यानी जो रिजल्ट होने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे इस जो उनकी हालात है आजकल के जो तनाव भरे. While Mr. Ollie is outnumbered in the ruling party structure, तो Mr. Ollie है वो outnumbered है यानी व्यापक स्तर यानी व्यापक उनके पास क्या है वो majority in ruling party structure and he has won a mandate, और उन्होंने क्या है जीता है जो mandate लोगों का जो मत होता है वो विश्वास. And there is little doubt, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत हमें शक है संदेह है that he remains popular in Nepal, कि वो क्या है अभी भी नेपाल में क्या है popular बने हुए हैं in power or out of it, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर. New Delhi will still need to contend with Mr. Ollie. जो नई दिल्ली है यानी जो भारत है अब उसको जरूरत है कंटेंड करने की मिस्टर ओली के साथ, whose polarizing policies could impact the country fragile ethnic voice which if not channelized deftly and with some delicacy. और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो वहाँ की जो ध्रुवीकरण वाली जो राजनीति है वो इम्पैक्ट करेगी कंट्री के फैजाइल यानी जो नाजुक जो कल्चर जो लोग हैं वहाँ के जो मिल बांट के जो बने हैं वहाँ पे जो एथनिक मोजेक यानी जो टुकड़ों टुकड़ों से बने हैं. इफ़ नॉट चैनलाइज डेफली, और अगर इसको ठीक से चतुराई से हमने डील नहीं किया तो हो सकता है कुछ हमारे ऊपर भी इसके बुरे प्रभाव पड़े. एंड विद सम डेलिकेसी, और साथ ही साथ हमें इसमें गंभीरता भी दिखानी होगी कि जिससे क्या है कि कुछ हमें नुकसान ना हो आगे चल के भी और हमारा जो रिश्ता है जो रिलेशनशिप है नेपाल के साथ वो अच्छा हो पाए और सबसे बड़ी बात टेंशन की ना हो किसी के साथ भी. तो ये था हमारा आज का आर्टिकल. उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने नया जाना होगा नया सीखा होगा. तो आप बताइए कमेंट करके आप क्या सोचते हो, क्या नेपाल को भी अब तो हमारे पास क्या राफेल भी आ गया उसको दिखा देना चाहिए कि अब सुधर जा तू भी. आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें चैनल के लिए वीडियो के रिगार्डिंग या किसी कंटेंट के रिगार्डिंग जो आप हमें देना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से और इसमें बेहतर प्रकार से हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं. हमें आपका बेसब्री से जो सुझाव होते हैं उसका इंतजार रहता है. तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर. जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.